दोस्तों कहाँ पर लगाना है, ये सीलिंग में लगाना है और यहाँ हमने ये बाहर करके रखा हुआ है, ये आहूजा कंपनी का है। कितने वाट का है, कितने पावर का है वो यहाँ पर लेंगे, देख लीजिए। यहाँ अब हमारा दोस्तों 5 इंच का हमने स्पीकर को ले आया है, स्प्रिंग दिया हुआ है दोस्तों, इसको ऊपर की तरफ करना है और ये वाला भी हमको क्या करना है, ऊपर की तरफ करना है। ठीक, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से फंसा देना है तो ये ऑटोमेटिक क्या चला जाएगा दोस्तों, अंदर हो जाएगा। और यहाँ नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे एक आहूजा कंपनी का मेरे पास स्पीकर है और इसको हमको फॉर सीलिंग में किस प्रकार लगाना है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो क्या करना है, आपको पूरा लास्ट तक देखना है। यहाँ पर देख लीजिए आहूजा कंपनी का ये स्पीकर है और दोस्तों कहाँ पर लगाना है, ये सीलिंग में लगाना है और यहाँ हमने ये बाहर करके रखा हुआ है, ये आहूजा कंपनी का है। कितने वाट का है, कितने पावर का है वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो हमको कहाँ पे लगाना है आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कटिंग करके रखा हुआ है। ये दोस्तों कटिंग कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन भाई लोग नहीं करते हैं, ये जो इसको बनाने वाले आते हैं फॉर सीलिंग वो कटिंग करते हैं दोस्तों। एक हमें यहाँ पे लगाना है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एक हमको यहाँ पे लगाना है। दो आहूजा कंपनी के स्पीकर लगाने के लिए पहले हमको इसका रिव्यू कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो है, पहले आपको यहाँ पैकेट जब आप फाड़ेंगे दोस्तों तो ये इस तरह से हमको फाड़ लेते हैं। फाड़ने के बाद पहले आपको ये आहूजा कंपनी का मैंने स्पीकर को बाहर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, इसको बाहर कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं डब्बे का, आपको कुछ दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ आहूजा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ पीसी सीलिंग स्पीकर, यानी दोस्तों ये सीलिंग के लिए स्पीकर लगा हुआ है। CS5044T इसका मॉडल नंबर है 50442। ठीक है, इनपुट पावर दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो कंपनी इसमें जो इनपुट पावर देंगे दोस्तों ये 4 वाट का देंगे, RMS हो गया। ठीक है, पावर टैक्स ऑन 100 वोल्ट 4/2 1 वाट। ठीक है, आप 4 वाट और 1 वाट के बीच में आप इसमें पावर दे सकते हैं, ये हो गया है। प्राइस की बात करें दोस्तों तो मार्केट में ये लगभग कई रेंज में आते हैं, जैसे कि आप 5 इंची का लीजिए, 6 इंची का लीजिए, 8 इंची का लीजिए, जिस प्रकार लेना हो लीजिए। तो दोस्तों यहाँ 5 इंची का आप खरीदेंगे दोस्तों तो ये हमको लगभग 1300 रुपये का मिलेगा, 6 इंची खरीदेंगे दोस्तों 1500 का मिलेगा, और यहाँ पर दोस्तों 8 इंची का खरीदेंगे तो लगभग 1600 या 1700 के बीच मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर स्पीकर के रिव्यू कर दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमको कनेक्शन किस प्रकार करना है आप देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ये हमारा 4 वाट का है, यहाँ पर दोस्तों कॉमन लिखा हुआ है, COM कॉमन लिखा हुआ है, 4 वाट 2 वाट 1 वाट। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इन 2 वायर ले आना है और यहाँ पर एक तार कॉमन में डालना है और आपका जितने वाट की मशीन रखी होगी, कि मान ली 2 वाट की मशीन है तो 2 वाट में तार लगाना है। तो इसमें इसके लिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर 2 स्पीकर है हमारे, इस प्रकार 2 स्पीकर है, दोनों स्पीकर को हमको लगाना है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वायर दोस्तों हम लोग कहाँ पर कैसे डालेंगे, सबसे पहले आपको बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला वायर यूज करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिकल बिजली के लिए हम लोग वायर यूज करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा बाटा जी का केबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बाटा जी का केबल 660 1100 वोल्ट 1452 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम छील के भी दिखा देते हैं, कोई नॉर्मल यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर वायर को छील लेते हैं, देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन भाई लोग को कंफ्यूज रहता है क्या स्पीकर का हमको कोई नया तार डालना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, वही तार को डालेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग तार यही डाल रहे हैं। तो दोस्तों इसको कैसे डालना है, दोस्तों वायर कैसे डालना वो हम आपको चलिए बता देते हैं। सबसे पहले हम इसका कटिंग आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो ये कटिंग है कितने इंच का हमने कटिंग लिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये इस तरह स्पीकर को हम लोग क्या करेंगे, पहले आपको चेक कर लेते हैं कि हमारा ये कितने इंच का स्पीकर है दोस्तों। यहाँ से और यहाँ पर लेंगे, देख लीजिए, यहाँ हमारा दोस्तों 5 इंच का हमने स्पीकर को ले आया है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो डायमीटर है मेंशन किया गया है 5 इंच का है। तो इसके साथ दोस्तों कंपनी हमारे ये दोस्तों कट आउट टेम्पल देती है, यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह से हम लोग नाप के यहाँ पे कटिंग को हमने कर दिया है। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन भाई लोग नहीं किया, हम लोग नहीं किया है, यहाँ पर जो ये डिजाइन को बनाया है उसने किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग को कनेक्शन करना है। तो चलते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, वायर को हम लोग डाल लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ये वायर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो मेन स्पीकर रहेगा यहाँ पर रखा जाएगा, जो इसका एम्पलीफायर रहेगा दोस्तों यहाँ पर रखा जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, 2 वायर वहां पे छोड़ देते हैं लेंगे और यहाँ पर भी 2 वायर छोड़ देते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए स्पीकर के लिए कोई स्पेशल तार नहीं है, जो नॉर्मल तार यूज करते हैं लाइट पंखे के लिए, हम लोग इधर से कर देते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पर देख लीजिए स्पीकर का तार हमारा यहाँ पे आ गया है
और हमको इसको थोड़ा गिट्टी कर देना है और यहाँ पर हम लोग इतना कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, एक स्पीकर हमको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, फॉर सीलिंग के लिए, और यहाँ पर दोस्तों एक स्पीकर हमको यहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, सॉरी, एक स्पीकर यहाँ देना है दोस्तों, उसके बाद एक स्पीकर हमको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ तो पहले चलते हैं हम लोग वायर क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि स्पीकर को हमको यहीं पे रखना है। दोस्तों हमने वहां से वायर को अंदर अंदर मैंने यहाँ पे डाल लिया है, तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारा ये वाला वायर देख लीजिए दोस्तों, स्पीकर के लिए हमारा ये वायर आ गया है। दोस्तों ये वायर एक्स्ट्रा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों यहाँ से वायर को खींच लेंगे। तो अभी कौन सा वायर खींचना है, यहाँ पर देख लीजिए, वहां से हम लोग वायर खींच रहे हैं और ये हमने यहाँ पे वायर को इतना खींच लिया है, ठीक है। यहाँ खींचने के बाद थोड़ा सा गिट्टी दे देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग फिर एक बार आपको कटिंग दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग कटिंग किए हैं लगभग 5 इंच के आसपास कटिंग किए हैं, एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। इसको यहाँ पर दोस्तों नाप लेते हैं, यहाँ से डाया को नाप लेते हैं, यहाँ पर नाप लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारी जो यहाँ कटिंग हुई है दोस्तों लगभग 5 इंच के आसपास हुई है, ये देख लीजिए 1 से लेकर 5 इंच तक कटिंग हुई है, हमने 5 इंच कटिंग किया है और इसमें हम लोग डाल देंगे। दोस्तों ये आपको बता देते हैं, ये अहूजा कंपनी का स्प्रे जब आप खरीदेंगे दोस्तों इसमें कोई वारंटी गारंटी नहीं होती है, कंपनी का होता है। दोस्तों आप अगर लोकल खरीदेंगे तो इसी तरह का स्पीकर सेम अहूजा कंपनी का नहीं रहेगा, तो 700 से 800 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन आप ब्रांड खरीदेंगे दोस्तों इसी तरह का तो दोस्तों 1300 रुपए का मिलेगा। अगर आप ज्यादा वाट का खरीदेंगे, जैसे ये 4 वाट का है तो 1300 का, और अगर आप दोस्तों 6 वाट का खरीदेंगे तो 1500 का मिलेगा, और ज्यादा वाट खरीदेंगे पैसा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ये हमने कहाँ से परचेज किया है आप देख लीजिएगा वहां पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब कनेक्शन की बारी आ गई है, तो कनेक्शन के लिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल हमारा कितना वायर दिया है दोस्तों, 1 2 3 4 वायर आपको दिख रहा है, एक ब्लैक है, ये ब्लू है, हल्का ब्लू, एक ग्रीन है, और लास्ट में ब्लू है। तो दोस्तों कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो जाती है कि इसका कनेक्शन कहाँ पे करना है, तो हम आपको बता देते हैं। पहले वायर को हम लोग यहाँ पे छील लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पर कॉमन तार है, और यहाँ पे दोस्तों 4 वाट 2 वाट 1 वाट, आप एम्पलीफायर कितने वाट का लेते हैं, अगर आप ज्यादा लोड पे चलाना चाहते हैं तो 4 वाट पे चलाइए, नहीं तो 2 वाट पे 1 वाट पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एम्पलीफायर लेंगे पार्ट 2 में वो अपलोड कर देंगे दोस्तों, हम लोग 4 वाट पे लगाएंगे। पहला यहाँ पर देखिए 2 तार है, एक रेड तार है और एक यहाँ पर ब्लैक तार है। ब्लैक तार को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए कॉमन कर देंगे, यहाँ पर इस तरह कॉमन करने के बाद इसको हम लोग टाइट कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये हमने टाइट कर दिया है, कहाँ पे किया है आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है और हमने यहाँ ब्लैक तार उसी के जस्ट सामने लगा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेड वाला कहाँ पे लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। यहाँ दोस्तों कनेक्शन क्या हो गया, रेडी हो गया है, देख लीजिए यहाँ पर कॉमन और 4 वाट पे लगा दिए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर 2 वाट और 1 वाट को हमने छोड़ दिया है इसी प्रकार, और इसको देखिए रेडी हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करें, इस पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। चलिए इसको हम लोग इसको तार को अंदर कर देते हैं दोस्तों। इसको लगाना कैसे वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे सिंपल पैनल लाइट लगती है, तो यहाँ पर ये स्प्रिंग दिया हुआ है इस प्रकार, और यहाँ पर दूसरी भी स्प्रिंग यहाँ पे दी हुई है। तो ठीक है, हमको क्या करना है, सीधा तार को क्या करना है, अंदर कर लेना है, इस प्रकार अंदर कर लेना है। यहाँ पे ये जो स्प्रिंग दिया हुआ है दोस्तों, इसको ऊपर की तरफ करना है, और ये वाला भी हमको क्या करना है, ऊपर की तरफ करना है। ठीक है, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से फंसा देना है, तो ये ऑटोमेटिक से चला जाएगा दोस्तों, अंदर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो स्पीकर था दोस्तों कंप्लीट फाइनल लग चुका है। अब अभी इसी तरह क्या करेंगे, वहां पर भी हमको कहाँ पे लगाना है, वहां पर देख लीजिए हमें वहां पे भी लगाना है। तो यहाँ तो हमने यहाँ पे स्पीकर को लगा दिया है, जैसे देख लीजिए हमने यहाँ स्पीकर कम्प्लीट कर दिए है दोस्तों, यहाँ पर भी स्पीकर को हमने लगा दिया है, और काफी हद तक पूरी वायरिंग भी कम्प्लीट हो गई है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों इसका वायरिंग का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर चले जाइएगा, देख लीजिएगा। अभी क्या करते हैं, हमने जो 2 स्पीकर का तार हमने ये ले आया था, देख लीजिए हमने यहाँ पे स्पीकर का तार ले आया था, एक तार दोस्तों इसमें से, एक तार वहां पे गया हुआ है, देख लीजिए एक तार दोस्तों वहां पे गया हुआ है, और दूसरा वाला तार हमारा यहाँ पे गया हुआ है ये वाले स्पीकर में। तो चलते हम तार को कट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, तार को इस तरह से कट कर लेंगे, कट करने के बाद वायर को थोड़ा छील लेंगे। दोस्तों हम लोग क्या किए, तार को देख लीजिए इसे छील लिया है,
तो दोस्तों जो रेड वाला था हमारा, रेड वाला और यहाँ ब्लैक वाला, दोस्तों हमने स्पीकर में ब्लैक वाला तार कहाँ जोड़े थे आपको बता देते हैं। जो ब्लैक वाला हमने तार जोड़ रखा था दोस्तों, ये कॉमन सिरा था हमारा, इसको हमने कॉमन में जोड़ रखा था। और जो हमारा रेड वाला था दोस्तों, इसको 4 वाट पे हमने जोड़ कर रखा था। तो अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पार्ट टू जब अपलोड करेंगे दोस्तों, तो हम एम्पलीफायर का कनेक्शन भी आपको करके दिखा देंगे। हमने इसको हमको कहाँ पर लगाना है दोस्तों, एम्पलीफायर कॉमन में लगाना है और इसको हमको 4 वाट पे लगाना है। दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।